गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के पास। होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और सबका ध्यान रख रहे होंगे। सो बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। साड़ी वाड़ी मैंने पहन लिया है, ये मेरी साड़ी है आज की। आज मैं ये वाली साड़ी पहन के स्कूल जा रही हूँ। हाई नेक इसलिए पहना हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि गले को ना कवर करके रखना हुआ है, तो मफलर वगैरह बांधने से अच्छा है कि मैं अच्छी तरह से हाई नेक ही पहन लेती हूँ, वरना फिर अभी थोड़ा सा गला ठीक लग रहा है, दर्द नहीं है, वरना दोबारा शुरू हो जाएगा। तो गाइस फिर मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल ब्लॉग। सो गाइस माइलू अपने ट्रीट का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। सेट पिटाई खाएगा ये ला। सो गाइस फाइनली हम स्कूल पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं। बहुत ही ज़्यादा ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है, और मैंने ये मुंह तक टाइट से बांध रखा था कि मुझे घुटन हो रही थी, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ये नहीं कि साइड में स्कूटी को खड़ी करके थोड़ा सा लूज़ कर लेती। नहीं, घर आके ही मुझे करना है, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ। माइलू माइलू का रिएक्शन देखना। अरे आते आते 3 घंटा हो गए हैं और मेरा बेटा मेरे को देख रहा है। ये मेरा बेटा है प्यारा। चल चल चल, चल। ले छो ना, चलो चलो चलो। क्या कर रहा था छुना? तो गाइज मैं घर पहुंच चुकी और मैंने चेंज भी कर लिया। आज का वेदर सच्ची में अनप्रेडिक्टेबल था। सुबह नॉर्मल था, ठंडा था, बाद में गर्मी लग रही थी, फिर उसके बाद अचानक से मैं स्कूल में कांप रही थी। मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग में मैंने हाईनेक वाला स्वेटर पहना था, उसके बाद भी मैंने मोटा स्टोल कैरी किया था और मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला ये सिम्टम जो है ना वो गूज़बम्स आने वाले, ठंडी लगने वाला ज़्यादा, तो उससे कहीं फीवर ना चढ़ जाए। टच वुड, आई डोंट वॉन्ट दैट। हाँ तो बस हम घर पहुँच चुके हैं और टाइम हो चुका है लंच का। वैसे लंच का क्या टाइम हो रही है, तो इवनिंग होने वाला है, बट भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, देखते हैं। मम्मी ने मेरे को देखा और फटाफट फ्रिज से डोसा का बैटर निकाल दिया और मैं खाऊंगी डोसा। तो गाइस मैं खाऊंगी डोसा और आलू बीन्स की सब्जी। ठीक, चलो मैं खाना खाती हूँ। बस शाम हो चुकी है, चाय पीने का मन कर रहा है। ये टी शर्ट ऐसे क्यों हो रहा है? अरे ये तो मैं उल्टा टी शर्ट पहन के बैठी हुई हूँ, तभी मैं बोलूँ इसका गला इतना अजीब सा क्यों हो रहा है। ये देखिए टैग कैसे दिख रहा है। तो गाइज मैंने हेड वॉश कर लिया है क्योंकि कल हम लोग सदर गए थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने आज सुबह नहीं वॉश किया क्योंकि फिर तबीयत ख़राब ना हो जाए सोच के, क्योंकि स्कूटी में जाना होता है, हवा वगैरह लग जाएगी। तो अभी बस फ्रेशन अप हो गई हूँ, बाल वाल धो लिए हैं, चाय बनाती हूँ ताकि सब लोग चाय पिए, और फिर मम्मी और मैं ढेर सारे कपड़े लेके बैठे हैं, हम लोग कपड़े धोएंगे क्योंकि एक दिन की छुट्टी थी, हम लोग तो ग्रॉसरी शॉपिंग चले गए तो टाइम नहीं मिला। कल बहुत ही थक के सोचा था कि कल शाम को धोएंगे, बट बहुत ही ज़्यादा हम थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हम लोगों ने नहीं धोया। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर में चाय पीते हैं, फिर कपड़े मशीन में डाले हुए हैं उसको अच्छी तरह से फिर खंगारते हैं, एंड देन फिर डिनर बनाएंगे। अब देखो आज डिनर क्या बनाते हैं।
क्या खाते हैं हम लोग। हमारी चाय उबल रही है, अच्छी तरह से उबल चुकी है, मैंने काफ़ी देर तक पका लिया और आप लोगों से बात करते करते मैंने चाय भी गिरा दिया। मेरा काम भी बढ़ गया इसकी सफाई का, मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा सुंदर फेस बहुत ड्राई ड्राई लग रहा था, क्रीम वगैरह लगा लिया, बाल बांध लिया, मैंने टी शर्ट भी अब सीधा पहन लिया। हम कभी कभार बड़े भी ना एकदम बच्चों जैसे हरकतें करते हैं ना, टी शर्ट उल्टी पहन लेना, हाँ कुछ भी कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, अब हम चाय पी रहे हैं। इसके बिना तो जो होती है ना, इसके बिना तो मन ही नहीं मानता चाय। ये बात तो सच है भाई, चाय भी एक एडिक्शन है, सुबह और शाम तो चाय चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो ऐसा लगता है थकावट ही नहीं जाएगी और बहुत ही अजीब सा भारी भारी सा लगता है। उसके बाद इसको पियो, उसके बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सो गाइस चाय वाय पी लिया है, अब हो गया है डिनर का टाइम, खाना बनाने का। अब यही सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, चलो फ्रिज में देखते हैं कि क्या क्या है, पापा मम्मी क्या सब्जी लेकर आए हैं, उस हिसाब से फिर हम बनाते हैं। क्योंकि मैं तो गई नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं है कि मम्मी पापा क्या क्या लेकर आए हैं। तो फ्रिज में चेकआउट करते हैं क्या क्या है, एंड देन मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। तो गाइस फ्रिज तो ऑलमोस्ट भरा हुआ है, टमाटर है, माइलू हटो बेटा, भिंडी, भिंडी तो सुबह बनाएंगे, माइलू हटो ऐसे चलो उधर, ये तो मूली साग है, अच्छा इसको गाजर चाहिए। गाइस इसको इसका फेवरेट है ना ये गाजर, इसको गाजर चाहिए, ले सिट एंड ईट। लगता है घी ही बनाना पड़ेगा, घिया और चना दाल बना लेते हैं, सही बात, घिया और चना दाल, ठीक है। तो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया, हम ये घिया बनाएंगे, घिया के साथ चना दाल। कल बहुत सारी दाल लेकर आए ना, तो घिया प्लस चना इज इक्वल टू घिया चना। हम बच्चों को स्कूल ऐसे ही सिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा मस्ती में, थोड़ा सा मजाक में, ताकि बच्चों का ना अटेंशन हम ग्रैब कर सके। तो घिया प्लस चना इज इक्वल टू घिया चना की सब्जी, आज तो हम घिया चना की सब्जी खाएंगे, जिसको खाना है घर आ जाओ। तो गाइस जिसको घी चने की सब्जी खानी है आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए भेज सकूं। तो चलो इसको फटाफट काटते हैं और फिर बनाते हैं। तो गाइस मैं ये घिया ना पापा को दे देती हूँ, पापा काट देंगे तो फिर थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो हम इसको पापा को दे देते हैं, पापा लो इसको काट दो, बड़ा बड़ा काटना, कुकर में बनाएंगे दाल दाल के साथ, ठीक है। और ये माइलू घर पूरा गंदा कर रहा है, कभी इधर गाजर खा रहा है, कभी मेरे रूम में खा रहा है, क्या पूरा? हाँ चना बनाना है ना, आधा काट दो फिर। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारा स्टॉक खत्म हो गया, अब जो भी हम सामान लेकर आए हैं ना, अब मैं उसको इन डब्बों में डाल दूंगी, वरना ऐसे ही रखा रहेगा। देखिए कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, कुछ मेरे रूम में रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, ये इसमें रखा हुआ है, और फिर ये कट्टा हम उठा के लेकर आए। इसमें हम 30 किलो चावल लेकर आए हैं, बासमती मोगरा लेकर आए 30 किलो, ये लेकर आए हैं। फिर इसमें खड़े मसाले हैं हमारे सारे, सॉरी इसमें सारे दाल है। अब इस दाल को हम बनाएंगे, इसको मैं हॉल में ले जाती हूँ, हटो माइलू मैं उठा नहीं पाऊंगी, दर्द होगा नहीं तो। यो पिपी पिपी हमारी गाड़ी आ गई, हाँ। और फिर इसमें हमारा, इसमें भी दाल है और मसाले हैं, चलो गाड़ी चलाएंगे अब, आ जाओ माइलू, पिपी फटो हटो हटो हटो, हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ गई,
हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ अरे हमारी गाड़ी गिर गई, हमारी गाड़ी गिर गई माइलू। अरे हटो। तो गाइस इसको सबको हमें खाली करना पड़ेगा अभी। कल हम लोगों ने ये सारा सामान लेकर आए हैं। ये सारी दाल है, अलग अलग टाइप की दाल है, ड्राई फ्रूट्स है। अब इसको एक एक करके खोलना पड़ेगा और डब्बों में भरना पड़ेगा। ये सारा हम लोग वहीं से लेकर आए हैं। ये वाली दाल है, इसमें चना दाल। अभी चना चना बनाना है ना, तो चना दाल निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो मतलब सारी ये ऑलमोस्ट दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब मुझे वहीं से मिल गया। ये चना दाल, मखाने। इनफैक्ट हम लोग मखाने वगैरह भी लेकर आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हम इन सारे जो ये सारे दाल है, हम इनको डब्बे में डाल के खाली करेंगे। ये देख। तो गाइज हमारे घर में ना कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होती है। वो जो हमने घी छिला है ना, तो माइलू उसको खाएगा, इसको बहुत पसंद है। तो गाइज इसमें मैंने बहुत सारे दाल को पलट दिया है, मसूर की दाल, चना दाल, उड़द दाल, छोले, राजमा और भी अलग अलग प्रकार की दालें थी, वो सारा मैंने खाली करके डब्बे में डाल दिया। ज़्यादातर जो दालें हमें मिली है वो 80 रुपये किलो, पर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लिया था, तो हम उसने हमें 75 रुपीज़ केजी लगा दिया। और फिर हम लोगों ने मखाने लिए, मखाने हमें पड़े मखाने का प्राइस हमें पड़ गया 200 रुपये पाव, जो कि यहाँ पे ऑल बहुत ही महंगा है। फिर हम लोगों ने लहसुन लिया। आजकल जो लहसुन का जो प्राइस है, वो आसमान छू रहा है। फिर उसके बाद हम लोग खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा हमें 100 रुपये का पाव मिला। हाँ 100 रुपये पाव मिला है। हम लोग क्या करते हैं, जो हल्दी, धनिया ये सब हम ले आते हैं और हम लोग घर में ही पीस लेते हैं, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसकी उसका फ्लेवर ही अलग होता है। अब जो हम पैकेट्स वगैरह ले हुआ हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम लोग को हम ले आते हैं। गाइज ये धनिया है, तो हम लोग को ये धनिया पड़ गया 100 रुपये किलो, तो हम लोग 1 किलो ले आए हैं। हम एक्चुअली सारा ना ज़्यादातर आजकल खड़े मसाले वगैरह लेकर, खड़े मसाले वगैरह भी ले आते हैं घर में। गरम मसाला अगर बनाना हो तो सारे खड़े मसालों को हम पीस लेते हैं। अगर हमको उनको अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए तो हम वहीं से ले आते हैं, सेपरेटली लेते हैं। लाल मिर्ची भी इनफैक्ट आजकल हम वहीं से ले आते हैं और हम लोग पीस लेते हैं। लाल मिर्ची तो हमें सिर्फ कलर के लिए चाहिए होता है, वैसे तो हम ज़्यादातर ग्रीन चिली प्रेफर करते हैं। पापा थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाता है ना पेट, उस वजह से। तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आए, हमें किशमिश 200 रुपये किलो मिले हैं और काजू और बादाम 600 रुपये किलो। तो बस यही सब लिखा है। और मैंने बताया खड़े मसाले में दालचीनी हो गया हमारा, बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची होगी, लौंग हो गया, तेज पत्ता हो गया, और हम ये सब लेकर आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि काजू, किशमिश और बादाम कैसे है। तो गाइस ये जो किशमिश है ना, ये बहुत ही मीठे थे, पापा ने खा के भी देखा। काजू बहुत ऑयली थे और बादाम में भी बहुत ज़्यादा ऑयल था। चीज़ें हमने लिया और फिर चावल हमें मिला बासमती मोगरा 1100 का कट्टा। उस कट्टे में मतलब कट्टा मतलब बोरी, तो हम लोगों को 30 किलो 1100 रुपये का पड़ा बासमती चावल। तो मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया। तो बस अभी छुट्टी होगी ना माइलू, मैं बात कर रही हूँ ना, तो जब छुट्टियाँ होगी पापा को मैं बोल दूंगी, सारे ये जो है ना लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी वगैरह सुखा देंगे, और तब जब छुट्टी होगी तो मैं ये सारे मसालों को पीस के अलग अलग डब्बों में डाल दूंगी।
तो हम लोग ऐसे ही करते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग को अलग से जाना नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि भाई के पास जाते हैं और वहां से बिल्कुल पास पड़ता है। यहाँ से सिर्फ वो लेने के लिए हमें सोचना पड़ता, पर वही वाली बात है, जब हम इतना दूर जा ही रहे हैं वहां से पास ही पड़ता है, तो इसलिए हम लोग वहीं से सारा सामान ले आते हैं। तो बस यही सब हमने खरीदारी की है कल। बस एक ट्रेजेडी हो गया, अदरवाइज तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ। मम्मी को अफसोस तो होता है मतलब सोच के, बट अब हम किसी को क्या बोले, जब होने को कोई रोक नहीं सकता तो बस हो गया, उस चीज को बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते। तो गाइस अब पापा ने तो घिया काट दिया है, अब मैं घिया चने की सब्जी बनाती हूँ। सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, तो फटाफट सब्जी बनाते हैं, उसके बाद इसको सेट करते हैं। कुकर चढ़ा दिया है, गरम डाल देती हूँ हरी मिर्ची, टमाटर मैंने डाल दिए। तो गाइस सब्जी चढ़ा दी है, मतलब दाल चढ़ा दी है। अब ये जो मैस है ये पूरा मैं खाली करती हूँ और इसको सेट करती हूँ, अदरवाइज ना बहुत देर हो जाएगा, ऐसे के ऐसे ही रखा रह जाएगा। हम लोग ये जो कपड़े है ना यहाँ पे रखेंगे सारे सामान, एकदम मेस्ड अप हो रखा है। बाकी का जो सामान है ना हम इस टेबल में डाल देंगे, ये वाला जो टेबल है हमारा, इसमें हम वो सारा सामान इसमें डाल देंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा स्टोरिंग कबर्ड है, जितना भी सामान होता है ना जो हम एक्स्ट्रा ले आते हैं हम इसमें रख देते हैं। सो गाइस फाइनली सारा काम हो गया है, थोड़ा सा बस कपड़े वगैरह सेट करने हैं, वो हम बाद में करते रहेंगे। और बस चावल बन गया हमारा, हमारा दाल भी बन गया। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो गया है, राइस है और घिया चने की दाल रेडी हो चुकी है हमारी, हम ये खाएंगे आज डिनर में। तो गाइस 10 बज चुके हैं, अब हम भी डिनर करते हैं और मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।